देश की बड़ी खबरें जानते हैं सिर्फ 9 सेकंड। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों की गोली से एक आतंकवादी ढेर हुआ। मंगलवार को इसी इलाके में मारे गए थे 2 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कुलगाम के रेडवाणी इलाके में सुरक्षा बल ले रहे थे तलाशी, घर के अंदर छिपे एक आतंकवादी ने जवानों पर फायरिंग की थी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के दौरान मारा गया एक आतंकवादी। हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर जेजेपी के विधायक राज्यपाल को लिखित में दे दे तो हम भी राज्यपाल के पास अपना डेलीगेशन भेजेंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा, हरियाणा में सरकार पर सियासी संकट है। नायब सिंह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। निर्दलीय विधायकों ने 2 दिन पहले वापस लिया था समर्थन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही पास हुआ था हमारा विश्वास प्रस्ताव, हमारे विधायक अच्छे, वे दलदल में फंस गए हैं। कांग्रेस की इस प्रकार की रही है फितरत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि अगर वे पारदर्शी हैं तो उन्हें देनी चाहिए हर जांच की अनुमति, लेकिन वे ममता बनर्जी के खिलाफ कर रहे हैं सियासी बयानबाजी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। राज्य सरकार ने बताया कि नवंबर 2023 से अब तक 398 घटनाएं हुई है, कोई भी प्राकृतिक कारण से नहीं हुई है, सबके लिए लोग जिम्मेदार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट फायर से पैदा हालात का जायजा लिया। लापरवाही बरतने के आरोप में 10 वनकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। वन विभाग का दावा किया कि पिछले 2 दिनों से घटनाओं में कमी आ रही है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा क्षेत्र में हादसा, मजदूरों को लेकर जा रही नाव झेलम नदी में डूबी, बोट में सवार 7 लोगों को बचाया गया, 2 मजदूर लापता, लापता मजदूरों की तलाश जारी। हरियाणा के कैथल में धान के बीज के लिए मारामारी, भीषण गर्मी के बीच कतारों में खड़े लोग, धान की अच्छी पैदावार के लिए नए बीज की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुटी। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम के पीछे खुदाई में मिले शिवलिंग, 14वीं शताब्दी के 2 शिवलिंग मिले हैं। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहा है निर्माण का काम। और अब चलिए तमाम राज्यों की खबरें जान लेते हैं 9 सेकंड में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर निशाना साधा, कहा गिरफ्तार नौकर है मंत्री का रिश्तेदार, कांग्रेस पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप। झारखंड के मंत्री के निजी सचिव के दफ्तर में ईडी ने की छापेमारी, रेड के दौरान मिली 500 रुपए की पुरानी करेंसी, अब तक की रेड के दौरान 37 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की। महिला के अपहरण मामले में आरोपी एचडी रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत, एचडी रेवन्ना की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, महिला के अपहरण और यौन उत्पीड़न का आरोप। मेरठ में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी 5 ब्रिगेड की कई गाड़ियां। हज यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है, दिल्ली आईजीए एयरपोर्ट से रवाना हुए यात्री हज पर जाने वाले श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। चिंदौली में जहरीली गैस की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत, सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हादसा हुआ, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार को बदला मौसम का मिजाज, भोपाल में हुई झमाझम बारिश, बारिश की वजह से पारा भी गिरा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मध्य प्रदेश के कटनी में मौसम ने अचानक से करवट ली, तेज आंधी चलने से जनजीवन हुआ प्रभावित, हवा के तेज झोंकों से बचने के लिए अपने वाहनों से उतरकर सड़क किनारे खड़े हो गए। गुजरात के भी कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, बुधवार शाम गुजरात के कई इलाकों में हुई बारिश, मौसम विभाग ने जताई थी बारिश की संभावना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।